पूरा साथ देंगे। सरदार हम मुसीबत के मारे ही हैं, एक ठाकुर विक्रम सिंह है, उसने हमें बेगुनाह 5 साल की सजा दिलवाई है और मेरे घर को आग लगा दिया, मेरे बापू को जिंदा जला दिया। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि गरीबों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। जो भी गरीबों पर अत्याचार करेगा उस अत्याचारी का नाम भी दुनिया से मिटा दूंगा। वाह जगत वाह, तेरे ऊपर। हेलो सर, कल्लू ड्राइवर, कल्लू ड्राइवर भूटा निवासी, उनकी ओर से कमांडर मास्टर आपके लिए 20 रुपए भेजे गए, उनका दायना के समय देखते हुए बिरहा सुना देना। देखो सरदार जी, क्या कर भरोसे की तमन्ना, क्या कर भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में है। आज से हम जा रहे हैं भोंदूमल के यहाँ जाखा डालने, क्योंकि भोंदूमल हमारी आंख में गड़ गया है। और तुम सीधे ललितपुर जाओ और अपने कुछ साथियों को लेकर देखो वहाँ सोन सेठ बहुत बढ़ गया है। ठीक है सरदार, आप जाओ भोंदूमल के यहाँ, मैं ललितपुर जा रहा हूँ, उसको कुछ साथियों के साथ जाकर उसको भी ठिकाने लगा दूंगा। कालिया, जैसे तुम लोग हमारा साथ देते थे उसी तरह जाइए आज से हमारे जगत के साथ, क्योंकि हमारा छोटा भाई है। ठीक है, ठीक है सरदार, आप भैरव को लेकर जाइए, मैं बाकी साथियों को लेकर ललितपुर जा रहा हूँ। ठीक है भैरव, चलो हमारे साथ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी सरदार। भवानी सिंह हमारे जगत को बंदूक चलाना और तलवारबाजी चलानी सिखा देना। ठीक है, ठीक है। जय माँ भवानी। हेलो साहब, मुझे गंगा राम भाई साहब कुछ भिटा निवासी, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार भेजा गया है, बाकी धन्यवाद देते हैं। चलो, आपने वादा किया सरदार जी से माँ भवानी का, और कभी हमारे लोगों के साथ कोई छलबाजी नहीं करना, कभी नहीं। ये मर्द की जुबान है। ये लो बंदूक, और आज से इस चंबल घाटी गुफा के आप सरदार हुए। ठीक है भवानी सिंह, मैं कसम खा कर कहता हूँ माँ भवानी की, आतंकवादियों का नामो निशानी दुनिया से मिटा दूंगा। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। अरे लतियन माँ कांधा बसिया ना बचायो वाधी, लतियन इनके साथ साथ आ गए देशराज भाई साहब, एक ग्राम भिटा निवासी, उनकी ओर से कमेटी मास्टर, आप जो चीज गा रहे हो इसी चीज पे खुश होकर के आपके लिए 11 रुपए भेजे गए, पार्टी धन्यवाद देते हैं। हो कांधा पसिया ना बचायो वाधी, नदिया कांधा पसिया ना बचायो वाधी, नदिया दोस्तों, समय के साथ समय बहुत हो चुका है और तमाशा भी कुछ बाकी है, इसलिए आप लोगों के सामने देखे कौन वही इंस्पेक्टर स्वराज, देखे आते हैं आगे, देखे गाली क्या हो चुका है। मुंशी अंदर की तरफ चल रहे हो, कहिए सर क्या बात है, और सब कर्मचारी कहाँ हैं?
देखो सबको बुलाओ, तत्काल सबको बुलाओ, इसलिए सब के सब लापरवाह है सर। इसको हम सही कर रहे हैं, इसको बदलाव कहते हैं, लेकिन ये बदल नहीं रही है। इतने दिन हो गए, पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है और जनता का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई उसका पता तक नहीं लगा सकता कि आखिर वो रहता कहाँ पे है। सर उसका कोई पता ही नहीं लगता है। और वो नासी कहाँ गया है? नासी वो चला गया है। वो आज बुलाओ से आज इधर मोहम्मद क्या कहते हैं कि बारात थी उसी में खाने चला गया है। बुलाओ तत्काल उसे, खाना हम खिला। नासी अमलदार अब ही सारे लाठी खाकरे कहा था जगह का पता चला? क्या करते हो तुम सब लोग? सबके सब लापरवाह हो, इतना समझ लो। कहा था तुझे? देखो अगर जग्गा हमारे हाथ में नहीं लगा तो हमारी तुम्हारी नौकरी बिल्कुल लाले पड़ जाएगी। इसलिए कुछ पल आराम करो, फिर उसके बाद अपनी फौज सजा के तत्काल जग्गा की तलाश में निकल सकते। Get me out.
फिर उसके बाद जब मैं चक्का को गिरफ्तार करूंगा तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है साहब, पर एक बात मेरी भी याद रखना। बोलिए कौन सी बात है। मेरा नाम अपनी जुबान पर चक्का को मत बताना कभी नहीं, तो वो चक्का मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा नाम नहीं खोलना चाहूंगा भैरव, इसकी चिंता मत करो। लेकिन जिस वक्त भैरव ढोंडू बल के हाथ आए, अपनी बंदूक ऊपर उठा करके इशारा कर देना, तुम जा सकते हो। सिपाहियों, जासूस तो बहुत पक्का है और ये वाकई में भैरव जग्गा से दहशत खाया हुआ है, इसलिए सही जासूसी करने आया है। हम लोग अपनी पूरी फोर्स भोंदू मल के घर पे लगाते हैं और जैसे ही जग्गा उसके घर के अंदर प्रवेश करेगा हम लोग उसे अरेस्ट कर लेंगे। चलो चलते हैं। और ये आगे खास तौर से अलंकार, ये रामदेव और रामपरन मिस्त्री ग्राम कुसमिटा की ओर से इस सीट पे खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार भेज रहे हैं। दोस्तों कहानी पे गौर करें, इधर देखिए रोलू मल, वही देखिए आते हैं, आगे देखिए कहानी क्या होती क्या रही। देखिए ये भोंदू मल का घर है और सफाई से सारा माल लूट लो। जी सर, भोंदू मल सामने आओ। तुम तो जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी चाबी तो हमारे पास नहीं। क्या काम? चाबी नहीं सरदार जी। बोल बोल। अरे चाबी नहीं सरदार। क्या काम? अगर चाबी नहीं दे तो साले गोली मार। ठहरो चक्को, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा तो सोचो चिंता नहीं बचोगे। चक्को, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अगर अपनी और अपने दल की जान की भलाई चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए जग्गा किसी से दबता नहीं। जग्गा अच्छा इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दे। इंस्पेक्टर, जग्गा का कोई माइक लाल पैदा नहीं है जो गिरफ्तार करे। चक्को, तो ये गोली आ रही है हराम ज़्यादा। इंस्पेक्टर, अपने सिपाहियों से कह दे कि बंदूकें फेंक दे वरना बेगुनाह भोंदू मल की जान चली जाएगी। सही, ऐसा नहीं हो सकता है। चक्का, होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर और भोंदू मल को छोड़ दे। मैं कहता हूँ बेगुनाह भोंदू मल की जान ले लूंगा, इसलिए अपने सिपाहियों से कह दे कि बंदूकें फेंक दे। अरे चक्का, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। सुना इंस्पेक्टर, मैंने क्या कहा?
गोली नहीं चलाना। और तुम भी इंस्पेक्टर अपनी पिस्तौल हमारे पास फेंक दो। सिपाहियों बहुत उमल की जान खतरे में है, इसलिए तुम सब लोग अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। और इंस्पेक्टर जब तक मैं बाहर न निकल जाऊं, अपने सिपाहियों से कह दे कि कभी हिलना नहीं। कोई बात नहीं है जग्गा, आज बाजी तेरे हाथ में है, निकल देखता हूँ कितनी दूर निकलता है तू। जब तक मैं निकल न जाऊं, कोई भी पुलिस वाला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कोई बात नहीं। एक इंस्पेक्टर हमारे साथ ही जा रहे हैं और मैं भी। इस वक्त तू निकल गया जग्गा, लेकिन तू अब हमारे हाथों से बच नहीं सकता है। सिपाहियों पौधे की जग्गा जा रहा है। स्टेज के बगल पर हमारे भवानी साढ़ू भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, मिलने। धन्यवाद।
साथियों भवानी सिंह कहा गया, भवर सिंह आता होगा सर, एक बात कहना तुझसे। जी सरदार जी। और नहीं अब तलक अपना सरदार आया, ग्राम कुसमिता की ओर से 10 रुपए का इनाम भेजा गया है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। किसी ने उनके साथ धोखा किया है, अगर धोखा किया तो धोखेबाज बच। ओ जगन सरदार जी, किसी ने पुलिस के साथ मिलकर मुकबरी की है और उन गद्दारों को कभी छोड़ना नहीं है। मैंने मां भवानी की कसम खाई थी कि ये जगत का साथ भरपूर दूंगा, लेकिन शायद मां भवानी को मंजूर नहीं था। जगत अमुल मैं बचूंगा नहीं, लेकिन इन गद्दारों को ऐसी सजा देना कि दुनिया तमाशा देखे, और मेरे मरने के बाद उन जालिमों को तड़पा तड़पा के मानना कि कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आज से जगत तू मेरा भाई, सब कुछ आज से इस चंबल का सरदार जगत उर्फ जग्गा होगा, क्योंकि हमारा नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलाना। आ जगत आ। सरदार मां भवानी की, मां भवानी की सौगंध, जिसने तुम्हारे साथ गद्दारी किया है उस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारा नाम इस दुनिया से कभी मिट नहीं दूंगा। आज अपना नाम जगत और जगा रखूंगा, जलाकर राख कर दूंगा जिन्होंने हमारी जिंदगी में जहर घोला है, और आतंक को इस दुनिया से मिटा दूंगा जिसने तुम्हारे साथ गद्दारी किया है। पहले उस गद्दार को मिटाऊंगा, उसके बाद जिसने हमें दुख दिया है उसको मिटाऊंगा। कालिया सरदार की लाश को लेकर चंबल घाटी के चमन में दफन किया जाए, उसके बाद हमारा ऐलान है सारे साथियों को हमारे सामने हाजिर किया जाए। जी सरदार जी, ऐसा ही होगा। लगा दिया है, जाओ चंबल घाटी में ऐलान कर दो कि सभी साथियों को डाकू सरदार जगत उर्फ जग्गा ने याद किया है। ठीक है सरदार जी, आप तशरीफ लाएं और अभी हम ऐलान करते हैं। हेलो हेलो
हमारा देश है, चंबल घाटी में जितने डाकू हैं, वो आकर के हमारे सरदार जगत उर्फ जग्गा डाकू से मिलने का कष्ट करें। आइए सभी लोग आइए। कहिए सरदार, आखिर बात क्या है जो हम लोगों को याद किया? आप लोगों को याद करने का हमारा एक मकसद है। हमारे सरदार डाकू जग्गा भोंद मल के यहां डकैती डालने गए थे। पुलिस को कोई खबर नहीं थी कि डाकू जग्गा भोंद मल के यहां डकैती डालेगा, लेकिन हमारे साथियों ने ही मिलकर मुखबरी किया है। उस गद्दार का नाम नहीं जानता हूं। हमारा ऐलान है, अपने आप अपना गुनाह कबूल करके, अपना गुनाह कबूल करके हमारे कदम में आकर गिर जाए, मैं माफ कर दूंगा। अगर फिर भी मेरे पास नहीं आया, अगर पकड़ा गया तो बेमौत मारा जाएगा। सरदार जी, जैसे हमारे बहुत सरदार थे, तैसे आप हमारे सरदार हो। लेकिन सरदार जी, ये खबर हमने नहीं किया है। सरदार, नजर मिलाकर बात करना। नजर मिलाकर बात करते हैं सरदार जी, जैसे बड़े सरदार से नजर मिलाते थे। इधर आ जाओ, तुम बताओ। जी सरदार जी, जैसे हमारे वो सरदार थे, वैसे ही हमारे आप सरदार हैं। आगे बढ़ो। सरदार, जैसे आप सरदार तैसे वो हमारे सरदार थे। मैंने उनका नमक खाया, भला मैं उनके साथ गद्दारी क्यों करूंगा? सच कहता है, लेकिन तेरी नजर मेरी तरफ क्यों नहीं हो रही है? भाला हमारी तरह मजर मजाक मिला कर बोल, उधर कौन है? मैं इधर खड़ा हूं। सरदार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गद्दारी नहीं किया। नजर मिला कर बोल, नहीं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। इधर देख हमारी तरफ। इधर आओ। फेरो, नजर मिला। हाँ, मैंने मुखबरी किया। किया।
चारी की सजा जानता है क्या है? जानता है भैरव? तूने चंद रुपयों के खातिर मेरी सरदार की जान लिया? नहीं, मैं कौन हूं माफ करने वाला? माफ तो तुझे डाकू जग्गा करेगा। जा, जहां तूने जग्गा को भिजवाया है, जग्गा वही इंतजार कर रहा है। जा भैरो, जा। कुत्ता आज मारा गया। आज के बाद अगर किलो में किसी ने मुखबर किया तो जान से मार दूंगा। सरदार जी सच कहते हो, जो आपके साथ गद्दारी करे उसे यहाँ चंबल घाटी में जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरदार जी आप बात को जानते हैं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार ठाकुर विक्रम, उठा कागज कलम, लिख घुसाले कुत्ते के नाम एक चिट्ठी। हमने राखी की कसम खाई थी कि रक्षाबंधन के दिन ठाकुर के एक एक अंग को काट कर उसे अपाहिज बनाऊंगा। ठीक है, बोले सरदार जी क्या लिखना है इसमें? ठाकुर विक्रम, मैं जेल से छूट कर आ गया हूँ। वो जगत जो भोला भाला गांव में था, वो जगत नहीं रहा, वो जगत ही नहीं रहा अब डाकू जग्गा की शरण में जाकर डाकू जगत बन चुका है। जगत से उर्फ डाकू जग्गा सिंह बन चुका है। और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज तेरे एक अंग को काट कर अपनी बहन की राखी का वचन निभाऊंगा। और तेरे तीन साल के बच्चे को उठा कर ले जाऊंगा। उसकी लाश तेरे हवाले करूंगा। किस तरह मेरा बाप बेटे के प्रयोग में तड़प तड़प कर मरा है, उसी तरह तू भी मरेगा। तब समझेगा बेटे का दर्द क्या होता है। डाकू जगत उर्फ जग्गा। जय माँ भवानी। जाओ, ये चिट्ठी ठाकुर के हवेली पे छोड़ गया। ठीक है सरदार जी, अब चलते हैं, इस चिट्ठी को पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे, अपनी सुरक्षा से चलेंगे। हो सकता है वो साला डाक जो है विक्रम सिंह, वो शायद बार वो कोई होशियारी कर सके, लेकिन होशियारी चलने नहीं देंगे। और ललिया पे ललिया कोली है जाए हो, पर से पनिया की कंडा चली जाए।
हम जरा फखर दूजे की सब के आज जगत आज जगत दर बदर की ठोकर खा रहा है कच्चा उस सितारे के प्यार में भाई बहन का भाई बहन का रिश्ता नहीं जोड़ता तो आज जगत इस नतीजे में नहीं पहुंचता हम जरा ठाकुर दूजे अरे ठाकुर साहब मैं झांटिया कौन है झांटिया झांटिया चिट्ठी पहुंचा क्या है डाकिया।